नमस्कार साथियों, जेएस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो है आपका चैप्टर नंबर 7 की सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपके क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं। कितने नंबर का है चैप्टर? 6 नंबर का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो आज हम एक टाइप का क्वेश्चन समझेंगे इसके अंदर, और उससे रिलेटेड बाद में आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले बहुलक की। मॉड, बहुलक क्या होता है? जैसे आपको कोई डाटा दे रखे हैं 1, 4, 3, 2, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, ये आपको डाटा दे रखा है और आपको पूछ लिया इसके अंदर आपका मॉड क्या है या बहुलक क्या है। ठीक है, तो मॉड क्या होता है? मॉड होता है आपके जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंट डिजिट होती है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, बार बार जो आता है वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंट डिजिट कौन सी होगी आपकी? 3, तो आपका मॉड क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3। ये जब आपको क्या दे रखी हो, सिंपल डिजिट डाटा दे रखा हो, तब पूछ ले, तब आपका सीधा आंसर होता है, या जो चेक करना होता है आपको क्या कि सबसे ज्यादा बार डिजिट कौन से रिपीट हुई है, वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा पैटर्न हो गया क्वेश्चन का। अब इसके अंदर एक टेबल दे रखी होती है, ठीक है, बारंबार का सारणी। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद करना है, और फिर उसको वैल्यू पुट करके क्या निकालना है? आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले में क्या आता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये आपके फॉर्मूला होता है। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये डिफरेंस होता है उस टेबल के बीच में, और ये इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये सारी वैल्यू, इसके अंदर 5 वैल्यूज है, कौन सी? एक तो L, एक F1, F0, F2 और H। ये 5 चीजें आपको अगर पता है तो फिर एक सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 5 चीजें किसी क्वेश्चन में कैसे निकलती है? सारे क्वेश्चंस में सेम पैटर्न है। ठीक है, 5 चीजें वैसे निकलेगी जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड, आप इस फॉर्मूले को लिख लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, ये चैप्टर 6 नंबर का है, आपको दो चीजें, एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें दो चीजें पूछ सकता है या दो अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। आपको मीन मीडियन पूछ सकता है, मॉड मीडियन पूछ सकता है, मॉड मीन पूछ सकता है, या माध्य माध्यक, माध्यक बहुलक, बहुलक माध्य, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बहुलक के बारे में, मॉड के बारे में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसका, इसको आप नोट करके याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें निकलती कैसे। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन दे रखे आपको, वर्ग अंतराल इंटरवल्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। यहां पे आपको दे रखिए बारंबार का, जिसे आप इसको बोलते हैं इंटरवल्स और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, बारंबार। ठीक है, ये आपको दे रखिए 3, 15, 24, 8 और 5, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी होगी, ठीक है ना, बारंबार का सारणी दे रखी होगी,
इसका बोल देगा आपको निम्न बंटन का, आप क्या निकालो, बहुलक निकालो, ठीक है, मॉड निकालो, फाइंड द मॉड ऑफ गिवन टेबल। तो आपको क्या पता है, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब देखो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रेशियो चाहिए, जो बार बार का वाली ये टेबल है, इसके अंदर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट है ये, तो ये आपका होता है एफ वन, क्या होता है एफ वन, एफ वन से जस्ट ऊपर वाला ये होता है आपका एफ जीरो, क्या होता है एफ जीरो, वन से पहले क्या आता है जीरो आता है, वन के बाद में क्या आता है टू आता है, ये आपका क्या हो जाएगा एफ टू। गॉट इट, तीन चीजें पता चल गई, सारे सारे क्वेश्चंस में आपको ये ऐसे ही कंट्रोल करना है, ठीक है, बार बार वाली टेबल में देखना है सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, चाहे वो कहीं भी हो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 24, इसके अंदर ये तुम्हारा एफ वन, इसे जस्ट ऊपर वाला कौन सा एफ जीरो और जस्ट नीचे वाला एफ टू, ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। एफ वन के सामने वाले इंटरवल को पकड़ना है, एफ वन के सामने वाले इंटरवल को पकड़ना है, इसके अंदर दो चीजें, एक 40 और दूसरी 60। एल का मतलब होता है निम्न सीमा, लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट का मतलब क्या हो गया, छोटा है, 40 और 60 में छोटा कौन सा है 40, ये आपका क्या हो गया एल, क्या हो गया एल, और दोनों के बीच में गैप कितना है, एच मतलब हाइट, कितना डिस्टेंस गैप, कितना इसके अंदर बीच में 20 का, कितने का है 40 टू 60 गैप, कितने का है 20 का, तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये देखो 1 2 3 4 5 पांच चीजें अपने पास आ गई, ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, क्या निकालना है आंसर निकालना है, ठीक है, दोबारा देख लो, क्वेश्चन दे रखा होगा, इसके अंदर अपने को अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, सारी वैल्यू इसी के अंदर दे रखी है, सबसे पहले इसमें चेक करना है सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 24, ये तुम्हारा एफ वन, जस्ट ऊपर वाला एफ टू, जस्ट इस एफ वन के नीचे वाला एफ टू, ठीक है ना, एफ वन एफ जीरो और एफ टू तीनों डिजिट आ गई, सबसे पहले ये निकालना है, ठीक है ना, एफ वन के सामने वाले इंटरवल को पकड़ोगे वर्ग अंतराल को, इसके अंदर जो छोटा है वो आपका एल है और दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका क्या है एच है, आगे पांचों चीजें, ठीक है, यहां पर अलग से लिख लो इसको, एल कितना है 40, एच कितना है 20, एफ वन कितना है 24, एफ टू कितना है 8 और एफ जीरो कितना है 15, आगे सारी वैल्यूज पहुंचो। अब फॉर्मूला पुट करनी है, तो आपका ये फॉर्मूला L, L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 24 माइनस F0 15 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 24 माइनस F0 15 माइनस F2 कितना है 8 इंटू H कितना है 20। वैल्यूज पुट कर दे, यहां से देखिए यहां पे फॉर्मूला रख दे, अब इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 24 माइनस 15 9 अपॉन 24 टू जा 48 24 दूनी 48 माइनस के 15 ले कितने हो गए 23 माइनस के 23 इसका ध्यान रखना, माइनस के 15 और माइनस के 8 कितने हो गए माइनस के 23, इन दोनों को पहले ऐड करके लिखोगे फिर इसमें से सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, इनटू क्या आएगा जाएगा 20, ठीक है, 40 प्लस 9 अपॉन इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 25 इनटू में क्या है 20, 5 की टेबल से 5 टाइम 5 की टेबल से 4 टाइम हो गया खत्म, फिर इसको लिख लेंगे प्लस 9 फोर जा 36 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब ऐसा नहीं करना कि इससे इसको कटआउट कर दो, ना ये कभी कटआउट नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व करो, 36 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 40 प्लस 36 को 5 से डिवाइड करो 7.5
टू, क्या आएगा 7.2, दोनों को ऐड कर दो, लास्ट में दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 47.2। ये आपका क्या आ गया, मॉड आ गया, क्या आ गया, मॉड या बहुलक। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले सारे क्वेश्चंस अगर ऐसे दे रखे और मॉड पूछे तो ये तरीका है, सिंपलेस्ट, ठीक है ना। दोबारा देख लो क्या कह रहा है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी और क्या कह दिया कि क्या निकालो, मॉड निकालो। आपको फॉर्मूला याद है, आपको सबसे पहले चेक क्या करना, सबसे बड़ी डिजिट है F1, उससे जस्ट ऊपर F0, जस्ट नीचे F2, F1 के सामने वाले इंटरवल पकड़ना है, छोटी वाली डिजिट L और बीच में गैप है वो H, 500 डिजिट आ गई। फॉर्मूला अपने पास रखना है, वैल्यू रखी, L की जगह 40, F1 की जगह 24, F0, F1, F0, F2 और H, सारी वैल्यूज रख दी, 40 का 40, इसमें से इसको कटाओगे 9, 14, 24, 48, और ये कितना जाएगा, माइनस का 23 इंटू 20, 40 का 40, 9 का 9, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 25, और 20 का 20 पड़ा है, 5 की जगह से दोनों को कट आउट कर दो, ये 5 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 5 से डिवाइड करोगे आएगा 7.2, दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 47.2। जो आपका इंटरवल आता है ना, जो आपका इंटरवल आता है, आंसर हमेशा इन दोनों डिजिट के बीच में आएगा, 42-60 के बीच में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। मान लो आपके इंटरवल ये आता 60-80, तब आपका आंसर कहाँ आता, 60 और 80 के बीच में आता, बताइए समझ में। ये आपके मॉड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो आपको अपने आप ट्राई करना है, ठीक है, इसको ढंग से समझ लेना कैसे हुआ, उसी तरीके से वापस इसी क्वेश्चन को कर, ऐसा ही एक क्वेश्चन देता हूँ उसको करना है, ठीक है। इरेज कर देता हूँ इसको, ये आपका इंटरवल है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी है सामने, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके देखना, इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।